सीटेट के ऊपर, जिसका रिजल्ट कल जारी हुआ। सीटेट एक ऐसी परीक्षा, अगर आप भविष्य में भावी अध्यापक बनने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब सरकारी में तो है ही जरूरी, साथ ही साथ आज के टाइम में प्राइवेट में भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप प्राइवेट विद्यालय में भी अगर पढ़ाना चाहते हैं और अच्छा खासा वेतन लेना चाहते हैं, तो आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई करना ही होगा। तो हाय गाइस, मैं धर्म विमल, बात करेंगे सीटेट के ऊपर, जिसका रिजल्ट कल जारी हुआ। कि सीटेट क्या है, अब पहले की तरह आसान नहीं रह गया। सीटेट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि जैसे पहले हल्के में ले लिया जाता था कि आपने PYU के ऑप्शन हल किए तो आपका सीटेट क्या है, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सीटेट को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आपने कंटेंट को पढ़ा है, तभी आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। तो दोस्तों, सीटेट का जो रिजल्ट कल जारी हुआ 2024, सीटेट 2024 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका क्या है, कट ऑफ है या कट ऑफ नहीं है, कितने में क्वालिफाई है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, उन्हें ही लूंगा मैं आज के अपने इस वीडियो में। और सीटेट संबंधित वीडियो के लिए आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, अभी तक सीटेट के 18 एडिशन हुए हैं, 18 बार सीटेट का पेपर जो है कंडक्ट कराया गया है, उसमें से 7 बार मेरा क्वालिफाई है। और इस बार CDP जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो उसके अंदर 28 स्कोर रहा है मेरा खुद का। तो मैं भी पेपर देता रहता हूँ सीटेट के, काफी बार पेपर दिया तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कोई भी चीज बेफिक्र आप पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस? तो रिवाइज आंसर की सबसे पहले तो बात करेंगे कि CBSE जो है आपका सीटेट की कभी भी रिवाइज आंसर की नहीं देता है। वो ऐसा बोर्ड है, आपने आपत्ति दर्ज की उसके बाद ही आप देख सकते हो। 7 तारीख को पेपर हुआ था, 7 तारीख को पेपर हुआ, और कल क्या डेट थी आपकी, 31 थी आपकी। तो देख सकते हैं आप, 23 डेज के अंदर ही CBSE ने सीटेट का क्या है, रिजल्ट जारी कर दिया। तो इतनी तेज फास्ट काम करता है आपका CBSE। तो रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, जो है फाइनल है यही है, ना किसी के नंबर बढ़ने वाले, ना किसी का कुछ बढ़ने वाला है। कुछ लोग YouTube पर वीडियो बनाएंगे कि नंबर बढ़ेंगे, रिवाइज आंसर की आएगी या वो आएगी, तो आज तक रिकॉर्ड है, मैंने तो नहीं देखा है कि कभी भी CBSE ने सीटेट की रिवाइज आंसर की दी हो, रिजल्ट के बाद में नंबर बने, तो किसी के कभी कोई नंबर बढ़े ही नहीं आज तक। तो आप इस भूल में मत रहें कि आपका क्या है, रिवाइज आंसर की आएगी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, या ये होगा या वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या मार्क्स बढ़ेंगे, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, जितने नंबर इसमें आए हैं उतने ही नंबर आए उतने नंबर रहेंगे, नंबर मार्क्स वगैरह नंबर वगैरह कुछ नहीं बढ़ने वाले। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कितने पे क्वालिफाई, तो नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? अब इसका सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा, जिन अभ्यर्थियों क्या है सीटेट जो पास हो गया उनका सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले, बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट क्वालिफाई कितने पे होता है। तो सीटेट की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाने होंगे, ठीक है? अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। अगर आप आपका ST OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, 82 नंबर पे आपका क्लियर मान लिया जाएगा, और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 90 पे माना जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, ये होता है आपका 60% जो है मार्कशीट पर लिखा हुआ है, कितना परसेंट, 60% आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ कि अगर 60% पे आपका क्वालिफाई मान लिया जाता है सीटेट। लेकिन कैटेगरी के केस में क्या है, 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5% का क्या है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो CBSE की जो सीटेट की जो मार्कशीट है उस पर नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अंदर जो नोटिफिकेशन है सीटेट का, पोर्टफोलियो जैसे कह सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है जो 5% का रिलैक्सेशन है। तो जनरल के लिए 60 और आपका क्या है कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 55% पे आपका क्या है सीटेट क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो ये क्वालिफाई, अगर बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 83 आ गए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं 82.5 बैठता है 55%, तो ऐसा कुछ नहीं, आप 82 नंबर ले आइए, आपका क्या है सीटेट क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अगर आपके 81 रह गए तो आपका नहीं मान लिया जाएगा, ठीक है? तो ये होता है क्वालिफाई। अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में करीब क्या है,
और फर्स्ट में और दो, इसका कितना परसेंट रहा है रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 18% पास आउट हुए इसमें और 16% इसमें हुए पेपर सेकंड। आप देख सकते हो पेपर हलवा नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। पहले वाला पैटर्न जाओ भूल, अच्छे से तैयारी करोगे तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज पेपर नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे, देख सकते हैं कि 16 लाख में से क्या है 14 लाख अपीयर हुए हैं, ठीक है। ये पेपर सेकंड का रेशियो है। इसके बाद आपका दूसरा फर्स्ट था, फर्स्ट वाले में 8 लाख में से 6 लाख हुए हैं, तो देख सकते हैं 8 और 6, 8 और 16 करीब 24-25 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से करीब 20 लाख बच्चे क्या है एग्जाम देने गए थे, आपका सीटेट का एग्जाम देने गए थे 20 लाख बच्चे। पूरे भारत में 22 भाषाओं में एग्जाम होता है सीटेट का, एक अच्छा खासा लेवल हो गया है अब, ठीक है। तो 18% रहा है, मान लीजिए जो 82 बच्चे हैं, जो 82 बच्चे उनका नहीं हो पाया, वो 82 बच्चे कैसा फील कर रहे होंगे, डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे। काफी गृहणियां ऐसी हैं जो तनाव फील कर रही होंगी, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, एक नंबर से रहेगा, बहुत सारे करीब मैं कह रहा हूँ लाखों की संख्या ऐसी होगी जिनका 81 और 89 पर रहा होगा, 81 और 89 पर रहा होगा, क्योंकि एक एक नंबर का खेल हो जाता है परीक्षा के अंदर। तो अब उन बच्चों क्या है हताश नहीं होना है, परीक्षा दोबारा होगी, परीक्षा क्या होगी, परीक्षा दोबारा होगी सीटेट की परीक्षा। हालांकि अभी भी भर्ती नहीं आने वाली है, अगर भर्ती कहीं चल रही है तो वो भर्ती कहाँ चल रही है, आपके बिहार में, ठीक है, बिहार में चल रही है। TRE 3 कम्प्लीट हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक, अब उसका आने वाला है बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है TRE 4 का, सॉरी TRE 4 के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद उसका भी इस साल में हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका नहीं हो पाया है वो डिमोटिवेट ना हो, परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। अब जिनका क्लियर हो गया है उनके लिए सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो जिनका क्लियर हो गया उनके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा आपको डिजी लॉकर के अंतर्गत। डिजी लॉकर एक आपका वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन एक ऐप भी है, तो वहाँ आप लॉग इन करेंगे अपने आधार से, वहाँ से आप अपना जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप वहाँ से कैरी कर सकते हैं, वो आपका वैलिड है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंडिया ने वो वैलिड किया हुआ है, वैलिड है वो, ऐसा नहीं है कि आपने उसे कलर प्रिंट कराया तो इनवैलिड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, वो वैलिड रहेगा। 2015 से पहले दोस्तों क्या होता था, 2015 से पहले जो सीटेट के जो एडमिट कार्ड जो मार्कशीट आया करती थी वो आती थी ऑफलाइन आया करती थी, तो काफ़ी अच्छी अनुभूति हुआ करती थी, काफ़ी अच्छा फील होता था कि जो मार्कशीट है वो सीटेट की हमारी मार्कशीट आती है। लेकिन आप क्या ऑनलाइन आती है तो बस उसे कलर प्रिंट निकलवा लो, एडमिशन करा के उसे रख लो, कहीं भी आप ले जाओगे तो वैलिड माना जाएगा। तो बहुत जल्दी मान लीजिए 1 महीने के अंदर मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अगस्त में तो मुश्किल होगा नोटिफिकेशन, सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन, और आपका जनवरी 2025 में आपका क्या है सीटेट का एग्जाम फिर दोबारा से करा लेगा आपका CBSE। बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो अच्छे से मेहनत करते हैं तो सीटेट जिनका नहीं हो पाया उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी बची हो आपकी सीटेट संबंधित तो आप बेशक पूछ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि भीड़ नहीं है, आपका बहुत अच्छे से जवाब दूंगा मैं, ठीक है। तो रिवाइज आंसर की के ऊपर हमने बात की, क्या नंबर बढ़ेंगे, नंबर वंबर कुछ नहीं बढ़ने, सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट सीटेट आपका जनवरी 2025 तक जाएगा, दिसंबर में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसी के 90 नंबर हैं तो वो क्वालिफाई है। हाँ बात करें, हम बात करें, अगर आप मान लीजिए आप जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है उस स्टेट में आप क्या है कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं जैसे कि आप यूपी के निवासी हैं तो यूपी का आपके पास डोमिसाइल है, तो यूपी का डोमिसाइल है तो आपको 82 पे क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन आप जनरल में आना चाहते हैं तो आपको 90 लाना होगा, 90 लाने के बाद आप अदर स्टेट में पेपर दे पाएंगे। जैसे कि बिहार में जाना है तो बिहार में जाने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए होंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरा मानना तो यही है कि 90 नंबर लेके आए सब लोग, 90 पार करें, प्रयास करते हैं 90 नंबर आ जाए उसके बाद क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, फिर होड़ मत हो, होड़ में मत लगे, ठीक है। तो 90 नंबर लेके आए उसके बाद अपना शांति से बैठे आगामी परीक्षाओं की क्या है तैयारी करें, बिहार की तरफ रुख करें। यूपी में अभी कुछ नहीं पता है, साथ जो क्या है आपका छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर बता दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को खेल में ना पड़े। सरकार का जो भी जमेला चल रहा है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, जब भी वैकेंसी